नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नॉवल जिसका नाम है इंदुलेखा, जिसे लिखा है चंदू मेनन ने। एंड ये एक मलयालम नॉवल है जो पब्लिश हुई थी 9 दिसंबर 1889 में। एंड ये फर्स्ट मेजर वर्क था जो मलयालम लैंग्वेज में था। एंड इंदुलेखा नॉवल को मलयालम लिटरेचर हिस्ट्री का लैंडमार्क भी माना जाता है। एंड 1890 में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जिसका नाम था W. ड्यूमक, उसने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। एंड ये नॉवल एक ब्यूटीफुल यंग वेल एजुकेटेड नायर लेडी के बारे में है। नायर जो है वो एक कास्ट का नाम है। ओके, तो नायर जो है वो इंडियन हिंदू कास्ट की कैटेगरी है जो बेसिकली केरला में होती है। ओके, तो इंदुलेखा नॉवल को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा राइटर चंदू मेनन के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो चंदू मेनन का पूरा नाम ओ चंदू मेनन है। एंड ये एक मलयालम लैंग्वेज नॉवलिस्ट है जिनका जन्म हुआ है 9 जनवरी 1847 में केरल में। एंड इनकी डेथ हुई थी 7 सितंबर 1899 में। तो इनके जो फेमस वर्क है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले है इंदुलेखा, जो हमारा आज का टॉपिक है। सेकंड है शारदा। शारदा जो है ये 2 पार्ट्स में लिखी जानी थी, बट इसका फर्स्ट पार्ट ही लिखा गया था एंड इसका जो सेकंड पार्ट था वो पेंडिंग था, इसीलिए ये कभी पब्लिश नहीं हुई। एंड इसके अलावा जो इनको अवार्ड मिला है वो है 1897 में, इनको टाइटल ऑफ राव बहादुर से नवाजा गया है। ओके, तो यही था हमारे राइटर चंदू मेनन के बारे में। ओके, तो इंदुलेखा नॉवल की समरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस नॉवल का बैकग्राउंड बता देती हूँ। ओके, तो नॉवल का जो टाइटल है वो इस नॉवल की मेन प्रोटैगनिस्ट को रेफर करता है, जो कि 20-22 साल की ब्यूटीफुल एंड वेल एजुकेटेड नायर लेडी होती है। एंड ये नॉवल एक 19th century की लव स्टोरी को भी रिफ्लेक्ट करती है। ये नॉवल उस तरह लिखी गई थी जब अपर कास्ट मैन, स्पेशली जो नायर क्लास है, वो उभरता हुआ वर्क था एंड ये वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन लेते थे। एंड इन्हें ब्रिटिश इंडिया में अच्छी पोजीशंस पर रखा भी जाता था। एंड इस दौरान 2 कल्चर्स आपस में क्लैश होते थे, एक था वेस्टर्न कल्चर एंड एक था इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर। एंड इस दौरान जितने भी इंडियन इंग्लिश एजुकेशन लेते थे वो वेस्टर्न कल्चर एंड अपने ट्रेडिशनल कल्चर दोनों को लेकर चलते थे। एंड उस दौरान केरल में नाम्बूथिरी ब्राह्मण जो थे वो नायर महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध रखते थे, जिसे संबंधम कहा जाता था। एंड केवल ओल्डेस्ट नाम्बूथिरी ब्राह्मण ही थे जो कि ब्राह्मण गर्ल से शादी करते थे, अदरवाइज जो यंगेस्ट सन होते थे उनको पुरुष प्रधानता बनाए रखने के लिए नायर महिलाओं से शादी करने के लिए ही एनकरेज किया जाता था। एंड ये कोई रिचुअल मैरिज नहीं होती थी, तो जो हस्बैंड है उसकी तरफ से बच्चों के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती थी। एंड ऐसे रिलेशन में जो भी बच्चे पैदा होते थे वो मदर की फैमिली से ही बिलोंग करते थे। एंड नायर क्लास जो है वो नाम्बूथिरी ब्राह्मण से लोअर क्लास मानी जाती थी। एंड जिस दौरान ये नॉवल लिखी गई है उस दौरान बहुत से नाम्बूथिरी पुरुष थे, वो संस्कृत एंड वेदों के साथ साथ थोड़ा सा वेस्टर्न साइंस एंड वेस्टर्न इंग्लिश का भी नॉलेज रखते थे। ओके, तो यही था इस नॉवल का बैकग्राउंड। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस नॉवल के मेन मेन कैरेक्टर्स। तो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है इंदुलेखा, जो कि इस नॉवल की मेन प्रोटैगनिस्ट है। सेकेंड है माधवन, ये इंदुलेखा का लवर होता है। थर्ड है सूरी नाम्बूथिरी, ये एक फुलिश लैंडलॉर्ड होता है। फोर्थ है लक्ष्मीकुटी अम्मा, जो कि इंदुलेखा की मदर होती है। एंड फिफ्थ है पंचू मेनन, जो कि इंदुलेखा के ग्रैंडफादर होते हैं। ओके, तो इनमें से जो मेन मेन कैरेक्टर्स हैं उनको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंदुलेखा। ओके, तो इंदुलेखा जो है वो इस नॉवल में एक मॉडर्न गर्ल है। एंड इंदुलेखा नायर कास्ट से बिलोंग करती है एंड ये एक यंग ब्यूटीफुल एंड नॉलेजेबल वुमेन होती है जिसने इंग्लिश एंड संस्कृत दोनों में एजुकेशन ली होती है, यानी कि इसने वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ इंडियन एजुकेशन को भी लिया है। एंड ये मॉडर्न होने के साथ साथ अपने कल्चर से भी जुड़ी होती है एंड ये इस नॉवल के हीरो माधवन से प्यार करती है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे माधवन। माधवन जो है वो इस नॉवल का मेन हीरो होता है। एंड माधवन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करता है एंड ये अपनी वाइफ इंदुलेखा के साथ मद्रास शिफ्ट हो जाता है। एंड ये वेस्टर्न क्लोथ पहनता है, बट ये अपना ट्रेडिशन, अपने कस्टम को भी फॉलो करता है। इसने जो हेयर स्टाइल रखा होता है वो नायर कस्टम के अकॉर्डिंग ही रखा होता है। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है सूरी नाम्बूथिरी, जो कि एक फुलिश लैंडलॉर्ड होता है। एंड ये इंदुलेखा से शादी करने के लिए आया होता है, बट जो इंदुलेखा है वो इसे रिजेक्ट कर देती है। एंड ये जो सूरी होता है ये इंदुलेखा से काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है। एंड जो इंदुलेखा है वो माधवन को एज हर हस्बैंड एक्सेप्ट करती है एंड सूरी को रिजेक्ट करती है। एंड इंदुलेखा की रिजेक्शन के बाद सूरी जो है उसको अपनी इज्जत की जो है थोड़ी सी वो हो जाती है कि इसकी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, इसीलिए ये इंदुलेखा की रिलेटिव से ही मैरिज कर लेता है। बट ये प्रिटेंड ऐसा करता है कि इसकी जो मैरिज है वो इंदुलेखा से ही हुई है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे पंचू मेनन। तो मैं आपको बता दूं कि पंचू मेनन जो है वो इंदुलेखा के ग्रैंडफादर होते हैं, लेकिन जो माधवन है वो पंचू मेनन का ग्रैंड नेफ्यू होता है, यानी कि इसका ये भतीजा भी होता है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो इंदुलेखा एंड माधवन जो हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटिव होते हैं।
ओके, तो हमने इंदुलेखन माधवन के कैरेक्टर्स को जाना, एंड यहाँ पर इंदुलेखन माधवन का जो कैरेक्टर है वो रीडर को बताता है कि कैसे ये दोनों वेस्टर्न कल्चर एंड ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर को बैलेंस करके रखते हैं। मतलब कि ये मॉडर्नाइज तो हैं लेकिन इन्होंने अपनी जो जड़ें, जो इनका ट्रेडिशन है वो भी नहीं छोड़ा है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों ने फॉरन लाइफस्टाइल के साथ साथ इंडियन लाइफस्टाइल को भी फॉलो किया होता है। ओके, तो यही थी कैरेक्टर्स की थोड़ी सी डिटेल। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस नॉवल की समरी। ओके, तो इंदुलेखा जो है वो इस नॉवल की मेन प्रोटैगनिस्ट है, एंड जो इंदुलेखा है वो एक ग्रेसफुल, इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड नायर गर्ल है, एंड ये वेल एजुकेटेड होती है, एंड इसने इंडियन एजुकेशन के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन भी ली होती है। इसने इंग्लिश एंड संस्कृत दोनों को पढ़ा होता है, एंड दोनों में ही स्कॉलर होती है, जो कि बताता है कि इंदुलेखा अपने ट्रेडिशन के साथ साथ ही मॉडर्नाइज हुई थी, एंड इसे एक यंग आदमी से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है माधवन, एंड ये इस नॉवल का मेन हीरो है, एंड ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से ग्रेजुएट होता है, एंड ये क्लोथ जो है वो वेस्टर्न स्टाइल में पहनता था लेकिन इसका जो हेयर स्टाइल था वो नायर कस्टम के अकॉर्डिंग था। ओके, तो इंदुलेखा एंड माधवन एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन इनकी शादी इतनी इजी काम नहीं था, इन्हें काफ़ी ज़्यादा पापड़ पेलने पड़े। इवन जो माधवन है वो तो फ्रस्ट्रेटेड होकर घर से भागकर वेस्ट बंगाल चला गया, एंड जैसे ही माधवन वेस्ट बंगाल जाता है पीछे से इंदुलेखा की जो फैमिली है उसके लिए प्रपोजल लेके आती है जिसका नाम होता है सूरी नाम भूथरी। तो ये सूरी नाम भूथरी होता है काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा इंसान होता है, एंड इंदुलेखा को इसके साथ रिलेशन रखने के लिए एनकरेज किया जाता है लेकिन ये सूरी के साथ यानी कि इस बूढ़े आदमी के साथ शादी करने से इनकार कर देती है। भले ही ये बहुत ज़्यादा रिच इंसान होता है, इंदुलेखा जो है वो माधवन से प्यार करती थी एंड उसी से शादी करना चाहती थी, एंड इंदुलेखा की फैमिली जो थी वो ये शादी होने नहीं देना चाहते थे। एंड दूसरी ओर रिजेक्शन के बाद जो सूरी है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इंदुलेखा से छोटी उसी की रिलेटिव कल्याणी कुटी से शादी कर लेता है जो कि इंदुलेखा से छोटी होती है, एंड ये जस्ट 13 साल की होती है। एंड ये जो सूरी है ये अपनी इज्जत बचाने के लिए र्यूमर फैलाता है कि इसकी जो मैरिज है वो इंदुलेखा से ही हुई है। तो ये जो र्यूमर है ये कहीं ना कहीं माधवन तक भी पहुँच जाता है, एंड माधवन को यही लगता है कि इंदुलेखा ने अब शादी कर ली है, एंड जो माधवन है वो इस र्यूमर पर बिलीव कर लेता है। लेकिन लेटर ऑन माधवन के जो अंकल हैं जो कि इंदुलेखा के भी नोन होते हैं वो क्लेरिफाई करते हैं कि इंदुलेखा जो है वो अनमैरिड है। तो माधवन को फिर बाद में क्लेरिफाई होता है, तो उसके बाद जो माधवन है उसने सिविल सर्विसेज ऑलरेडी ज्वाइन कर ली है, तो वो इंदुलेखा के पास वापस आता है एंड ये इंदुलेखा से शादी करके उसे मद्रास ले जाता है। फिर इन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं एंड इन दोनों की इंटरकास्ट मैरिज हुई होती है जो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। ओके, तो इस नॉवल के जो ओल्ड नाम्बूथरी ब्राह्मण थे वो काफ़ी ज़्यादा पुराने विचारों के थे जो कि बहुविवाह एंड सामंतवाद को रिप्रेजेंट करते हैं। इंदुलेखा एक एजुकेटेड ऑनर्ड गर्ल थी जो कि ओल्ड नाम्बूथरी से शादी करने से इनकार कर देती है, एंड जो इंदुलेखा है वो नाम्बूथरी के ऑपरेशन के आगे घुटने नहीं टेकती है एंड घुटने टेकने से इनकार कर देती है, एंड ये फ्रीली एज अ मॉडर्न गर्ल माधव से शादी करती है और सोशल ईविल के अगेंस्ट स्टैंड लेती है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल कंक्लूजन है इस नॉवल का वो यही है कि जो इसके मेन हीरो एंड हीरोइन है यानी कि जो इंदुलेखा एंड जो माधवन है वो अपने कल्चर के साथ जुड़े रहने के बावजूद भी मॉडर्नाइज हुए थे। उन्होंने मतलब अपना कल्चर भी नहीं छोड़ा था एंड उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज भी किया था। तो यही था इंदुलेखा नॉवल के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए नॉवल हेल्पफुल रहेगी, एंड अगर आपको नॉवल अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।